नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ सियासी सरगर्मियां ऐसी जिनकी जो आ है वो आम जनता की समस्याओं से जुड़ी हुई है, और जिस तरह से कानपुर में अभी हाल में ही मामला हुआ है, माँ बेटी की जलकर मौत हुई है, उस मामले को अब सियासी रंग देना शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले भी तमाम तरह के मामले ऐसे होते हैं जिन पर हमारे जनता के प्रतिनिधियों को पहुँचना चाहिए, पर चूंकि यहाँ पर मामला बुलडोजर का था इसलिए वहाँ पर सियासत होनी तो लाजमी है। सरकार ने कार्रवाई भी की, FIR भी की, सस्पेंशन भी किया, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने परिवार से बात भी की। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जिस तरह से इस पूरी घटना को सियासी रंग दिया जा रहा है, उसकी ज़रूरत क्या है? अगर वास्तव में जनता कितनी हितैषी है तो जनता के बीच हमेशा पहुँचना चाहिए। केवल एक बात को आधार बनाकर राजनीति करना हमारे देश की कानून और व्यवस्था और संस्कृति में शामिल नहीं रहा है। पर चूंकि क्या करें, अब आजकल राजनीति केवल धार्मिक और इस तरह के मुद्दों पर ही चलती है। फिलहाल जो कुछ हुआ कानपुर में बहुत गलत हुआ, और इस तरह की राय, इस तरह की कार्रवाई की ना हमारे देश को ज़रूरत है और ना ही प्रदेश को ज़रूरत है। क्योंकि अगर जनता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी और जनता जनार्दन की अगर मृत्यु तक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न कार्रवाई पर भी है और व्यवस्थाओं पर भी है, और साथ ही साथ उस नियम पर भी है जिसके तहत इस तरह की कार्रवाई की जाती है और खामियाजा आम जनता भुगतती है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण घटना पर, इस भीभत्स घटना पर एक रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है, लेकिन इस बार अतिक्रमण हटाने गए बुलडोजर की चपेट में माँ बेटी आ गए। ये पूरी घटना सोमवार की है जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली पंचायत के चहला गांव में ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम पर माँ बेटी की हत्या का दाग लग गया, और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आग लगते ही SDM के साथ प्रशासनिक अफसरों और पुलिस की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। मामले की जानकारी मिलते ही कानपुर के ADG समेत अन्य अफसर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जब आग लगी तब प्रशासन वहां मौजूद नहीं था। क्या कुछ कहना है मृतक प्रमिला के बेटे का, सुनते हैं। SDM ले एक बार अशोक दीजी, अनिल दीजी, मनीष चुटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। दिन घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम लिखर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे सब गिरा के आगी लगा के ही मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप DM के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। DM सब यही बस शामिल है, को कुछ नहीं की। ये तो आपने सुना मृतका के पुत्र को, अब सुनते हैं मृतका के पति ने क्या कुछ कहा। ये लोग आए SDM तहसीलदार, और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बहुत दीक्षित, मतलब काफ़ी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी, हम लोग अंदर आए तो जो है, और बाकी तो निकल गया, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब नहीं, जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी, वो ड्यूटी करते हैं आर्मी में। जहां एक तरफ मृतका पुत्र और पति दोनों का ये कहना है कि प्रशासन मौके से भाग गया और प्रशासन के कहने पर ही सब हुआ, तो वहीं पुलिस ने भी इस पर अपनी सफाई पेश की है। जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी, और उसी के क्रम में एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है, इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है, और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है।
घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। पीला पंजा जहां चले वहां सियासत होना लाजमी सा होता है। अब सियासत गर्माती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अंत नजदीक आ गया है। समाजवादी पार्टी के लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए सरकार को हर मोर्चे पर घेरती नजर आ रही है। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन अपना आपा खो रही है। कानपुर घटना पर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि ये खूनी बुलडोजर है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी कानपुर पर मुखर नजर आ रही है। ट्वीट करके लिखा, यूपी में तानाशाही चरम पर है। कौन से कानून की बात करते हैं? आपने नोटिस नहीं दिया, आपने सूचना नहीं दिया, और आज इतनी बड़ी दर्दनाक घटना देखने को मिली कि प्रमिला दीक्षित बहन और नेहा दीक्षित जिस तरह धू धू करके जली हैं, और जो वीडियो देखने को आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। और फिर प्रशासन के उच्च अधिकारी कुछ उस पर लिपापोती करने का काम करें। आज तो उन्हें ये करना चाहिए कि जिन लोगों के कारण और जिनकी निग्लिजेंसी के कारण ये घटना घटी है, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल मुकदमा लिख करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तो आज उसमें पर्दा डालने की बात की जा रही है। पूरी घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के साथी रहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी यूपी सरकार को घेरा है। और सरकार ने एक आदेश दिया है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कुछ अधिकारी हैं जो भूमाफिया के नाम पर भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि भूमिहीनों के लिए कानून है कि कहीं से भी उनको उजाड़ना है तो पहले उनको बसने की जमीन की व्यवस्था अधिकारी करावें, तब फिर नोटिस दें उनको कि आपके नाम से जमीन वहाँ अलाट हो गई, आप वहाँ जा करके अपनी व्यवस्था करिए, तब उनको उजाड़ा जा सकता है। लेकिन मनमाने तरीके से जो कार्रवाई की गई है, जो FIR हुआ है, ऐसे लोगों को तत्काल तो पहले जेल भेजा जाए और मजिस्ट्रेटियल जाँच करके कानूनी कार्रवाई जो हो उसको जो त्वरित कार्रवाई हो, और सरकार 25-25 लाख रुपया मृतक परिवार को, आप उनको रहने के लिए जमीन, बस रहने के लिए मकान और जमीन की व्यवस्था सरकार खुद करावे। इसी कड़ी में विपक्ष कानपुर देहात के लिए रवाना हुआ, पीड़ित परिवार का दुख साझा करने के लिए, लेकिन सबको रास्ते में ही रोक दिया गया। हाथ में बुलडोजर वाला खिलौना लेकर कानपुर देहात जा रहे विधायक अमिताभ वाजपेयी को कानपुर पुलिस ने बॉर्डर पर रोका। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेताओं में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे, प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व अन्य सभी नेता शामिल हैं। इन सब के बीच कानपुर के डिविजनल कमिश्नर राजशेखर पीड़ित परिवार से बातचीत करते दिखे। जहां एक तरफ कानपुर देहात मामला देश में गूंज रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को कानपुर देहात घटना की जानकारी ही नहीं थी। हम इसकी जानकारी करके आपको अवगत करा देंगे, हमें समझ गए जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, और जानकारी देना भी ठीक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल पर बात करते परिवार को आश्वस्त किया है कि उनको न्याय मिलेगा और दोषियों पर सरकार 302 लगाएगी। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है,
हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना, एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे, आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता, बहुत दुखद घटना है, और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे, और हर स्थिति में हम रहेंगे, और माता जी का हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। बहरहाल इस पूरी घटना पर उत्तर प्रदेश के मुखिया ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक्शन लिया, जिसमें लगभग 11 से 12 लोगों को नामजद किया गया है, 39 लोगों पर FIR भी हुई है, लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, SDM को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या अतिक्रमण हटाने और बुलडोजर के जोश में होश खो रहा है प्रशासन। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, दिल दहला देने वाली रिपोर्ट, मां बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन, प्रशासन, सरकार या व्यवस्था? वो प्रशासन जो नोटिस तामील नहीं करता, या वो प्रशासन जो वहां पर लोग वहां मौजूद है और बुलडोजर चलवा देता है, या वो प्रशासन जो केवल पीठ पीछे है और आगे कार्रवाई दूसरी तरह की चल रही है? मेरी कहने की बात सिर्फ यहां पर यह है कि कौन वो लोग हैं जिनकी कमी कारण, जिनकी लापरवाही कारण और जिनकी अमानवीयता के कारण माँ बेटी को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, क्योंकि जिंदगी लौट के नहीं आती, और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी संवेदनशील व्यवस्था और एक अंजाम जिस तरह हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पिस्त चिन्ह है व्यवस्थाओं पर। चर्चा मेरे पर मेहमान जुड़ चुका, रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से दिवाकर सिंह भाई पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे पर पक्ष रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी भाई समर्ण महासंघ पर पक्ष रखेंगे, अमित गुरु प्रवक्ता कांग्रेस पर पक्ष रखेंगे, और तरुण निर्मा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, दिवाकर भाई घटना बहुत बड़ी हुई है और निश्चित रूप से जो ये घटना है इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, माँ बेटी की मौत, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि झोपड़ी के अंदर मौजूद थी वो बुलडोजर चला दिया गया, आग लगा दी गई, अब आग किसने लगाई है, किसने लगाई है, वो जांच का बिंदु है। फिलहाल यहाँ पर दो जाने गई हैं, कैसे देखते हैं आप? गौरव भाई, यह बहुत दुखद घटना है जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके संबंध में हमारे वरिष्ठ नेता जी, अभी आपने जी देखा हमारे जी, मुखिया प्रदेश के और डिप्टी सीएम साहब जी संवेदन के साथ इस घटना को लिया है जी। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने तुरंत घटना होने के बाद पीड़ित परिवार से जी बात की है जी। जितनी उचित या यथोचित त्वरित कार्रवाई होगी जी, जितनी है सब कार्रवाई होगी। अच्छा, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने तुरंत कहा है कि पूरा प्रदेश के भाई जी उस बहन के साथ हैं और उस माँ के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया दुखद घटना में जी। चूंकि आप भी कह रहे हैं बुलडोजर आग अलग पैटर्न है जी, आप जो दिखा रहे हैं जी, ये जांच का विषय कि आग कैसे लगी जी, आपने भी कहा और हम लोग भी चाहेंगे कि आग कैसे लगी इसकी त्वरित कार्रवाई, तुरंत जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी जी, जो हमारे मुखिया ने कहा है जी। और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी हमारे आपने अभी राजभर जी से सुना है, उन्होंने कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। जैसे ये है कि जमीन भूमिहीन है, पहले जमीन दी जाए उसके बाद किया जाए, सब जांच की विषय कि ऐसी घटना प्रशासन ने किस आधार पर की है, प्रशासन के सारे लोगों के ऊपर FIR हो गया है
सारे लोगों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है, जितना समुचित और त्वरित कार्रवाई होगी दंडित भी किया जाएगा। अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना अगर हुई है तो सबको संवेदना के सहित इसको लेना चाहिए, और तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं, हम तो तुरंत स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारी निरंकुश क्यों हो गए हैं? निरंकुश भी करेंगे ये लोग? नहीं नहीं नहीं, अधिकारी निरंकुश कभी नहीं होते हैं। अच्छा, वहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसे निरंकुश हो गई, कैसे इस तरह की घटना हो गई, आग कैसे लग गई, ये जाँच का विषय है। अच्छा जी, अब ग्राम समाज की जमीन है, उस पर से अतिक्रमण हटाना है, वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन अगर आता है, लेकिन चूक हो गई व्यवस्था में, एक थोड़ी सी चूक हो गई। अच्छा, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में अंजाम दे दिया, और इस पे हमारी प्रदेश सरकार, हमारे मुखिया और पूरा प्रदेश इस दुर्घटना में भाई बहन के साथ और माँ के साथ खड़ा है। अच्छा, माँ तो गुजर गई, माँ भी गुजर गई, बहन भी गुजर गई, भाई और पिता, भाई और पिता बचे हैं, और उनको देखिए घटना हो गई, त्वरित न्याय मिलेगा, उनके प्रति पूरी संवेदना है, जिंदगी लौट के नहीं आएंगे। सुन ले, सुन लीजिए, घटना दुखद हो गई ना जी, इसको अभी आज तक यही सत्य है कि जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोई वापस लौट के नहीं आया है। दुखद घटना हो गई, इसमें हम भी उसके तुरंत ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं कि हम प्रशासनिक जो दोषी हैं, जिन्होंने दोष किया उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं। तुरंत FIR हो गई, तुरंत सारी त्वरित करो, ADG महोदय, प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर गए, DPCM साहब ने तुरंत बात की। तो इस घटना को पहले नॉर्मल तो होने दीजिए और जांच की कार्रवाई होने दीजिए। लेखपाल गिरफ्तार हुआ, और जो गिरफ्तारी होनी होगी सारे लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी, वो तो एकदम होगी प्रक्रिया में। तो केवल एक नहीं, शुरुआत तो लेखपाल से होती है ना, प्रशासन लोकल थाने से होती है। लेखपाल कहाँ से चूक हुई है, लेखपाल की रिपोर्ट कैसी रही है, किस आधार पर लेखपाल ने उसकी रिपोर्ट लगाई है। जब लेखपाल रिपोर्ट लगाता है तभी घटना अतिक्रमण की, पे SDM की भी होनी चाहिए। नहीं नहीं, सुन लीजिए, एकदम एकदम अगर SDM साहब दोषी हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक, हमारे डिप्टी साहब ने आपके सामने कहा कि जो भी होगा वो कोई बख्शा नहीं, जो घटना में संलिप्त हो। ठीक ठीक, प्रवक्ता सभा जयप्रकाश पांडे भाई, क्या राय है आपकी, जिस तरह से यहाँ पर एक घटना हुई है, घटना के बाद आप लोगों ने सियासी रंग देना शुरू कर दिया है, मिलने जा रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। हमें तो कोई आश्चर्य नहीं, हमें तो एक बड़ी बहुधृत मतलब कहावत याद आ रही है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ अभी आपने बात करी है, सुरेश खन्ना जी मंत्री हैं और वो कह रहे हमें संज्ञान में नहीं है, और पूरा अमला इनका जो है पूंजीपतियों के स्वागत में लगा है, और एक काल्पनिक आंकड़ा दिखाया जा रहा है 1 trillion का, जो भी हो, लेकिन इनके प्रशासनिक अधिकारी सूबे में जो गांव गरीब देहात का आदमी है उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, ये तो उसका एक मामूली सा नमूना है। अच्छा, और इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये चूंकि अगर देखा जाए तो पहली बार तो हुआ नहीं है, और इसमें ये 2-3 चीज जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे मित्र कह रहे थे कि नहीं इस सरकार जो है त्वरित कार्यवाही करेगी, वास्तविकता ये है कि देखिए हिंसा ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। अच्छा, और राज्य प्रायोजित इनकी हिंसा जब से योगी बाबा आए हैं तब से पुलिस पहले भी मतलब राजनीतिक दलों के दबाव में रही, वो अलग इशू है। अच्छा, लेकिन इस तरह से गैर राजनीतिक जो राजनीतिक शत्रु हैं उनका क्या हाल है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, कितने मुकदमे कहाँ जेल में, नाम ले लीजिए, लेकिन जो नाम ले लीजिए, वो विषयांतर हो जाएगा। अच्छा, जो सामान्य सिविलियन है, व्यापारी है। अच्छा, और उसमें एक जाति का भी मसला नहीं है। अच्छा, जैसे महोबा क्रेशर व्यापारी था, वो तो व्यापारी ही था, त्रिपाठी। अच्छा, उसकी हत्या मतलब ब्राह्मण रंग दे रहा है आपको? नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण की तो बात ही नहीं करता। अच्छा, ब्राह्मण त्रिपाठी नाम आपने इसी बताया, लेकिन अरे भाई गोरखपुर का तो मनीष गुप्ता था। हाँ, वो व्यापारी था। अच्छा, तो अब ये है कि चाहे व्यापारी हो चाहे गरीब हो, उसमें ये देखा जाए तो पुलिस सीधे संलिप्त होती है। और जो अच्छी चीज है कि मैं 3-4 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, देखिए क्रेशर व्यापारी के विरुद्ध जो पाटीदार साहब IPS थे जिनपे लगा था, वो उनपे चार्जशीट नहीं दाखिल हुई। अच्छा, चार्जशीट नहीं दाखिल होने का मतलब यह है कि जमानत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मनीष गुप्ता के अभियोगी जितने थे उसमें 302 की धारा सबसे वापस ले ली गई। अच्छा अच्छा, या कहिए कि हाथरस की घटना हो या कहीं चिन्मयानंद जी का, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, जानकारी बता, मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण, हमारे मित्र अगर बता दे, दिवाकर सिंह जी को तो नहीं मालूम होगा। अच्छा, लेकिन अगर किसी तरह से आप पता कर लीजिए जिम्मेदार लोगों को, जो पुलिस ने निरपराध नागरिकों की हत्या की हो, वसूली की हो,
या बलात्कार के केस में जिस तरह से हाथरस से चिन्मयानंद तक बलात्कारी जो पीड़ित परिवार है उसको धमकाने का ही प्रयास पुलिस प्रशासन ने किया है, उसमें एक भी पुलिस पे कड़ी कार्यवाही, शब्द सुन के बड़ी हंसी आती, जब आदरणीय योगी जी आते हैं कहते हैं कड़ी कार्यवाही होगी, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या होने वाला है। और बृजेश पाठक जी तो उन्नाव यहाँ से बगल में है और यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, विदेश जाने की फुर्सत रहती है और यहाँ से क्या वैचारिक सहानुभूति है, हमें लगता है कि मोदी जी का जो भाषण की कला है वहां से चलती है, मैं अकेला, एक अकेला व्यक्ति है, तो अब ये पूरा वन मैन शो हो गई है भाजपा, जिसे भी करना है सब, मतलब कहिए कि अभिनय वाली कला और भाषण कला जो चुनाव की होती है प्रशासन के गंभीर विषयों पे भी हो रहा है, नहीं मैं बता रहा हूँ प्रशासन की, जिस तरह भाषा बृजेश पाठक जी बोल रहे थे वो हमारे पूरे प्रदेश की, अरे साहब उसे राष्ट्रमाता, राष्ट्र पिता, राष्ट्र बहन मत बनाइए, उसकी जान गई है और प्रशासन के अधिकारियों के कारण गई है, आप इस तरह का चुनावी भाषण दे रहे हैं तो इनको इतना तमीज नहीं है कि ये वही सरकार है जब इसके पहले एप्पल व्यापारी मारा गया था, यहाँ पहले जब शुरुआत हुई बाबा के बुलडोजर से प्रशासनिक मतलब अधिकारियों की निरंकुशता का, उसके परिवार के लोगों को ला के मुख्यमंत्री के चरण में गिराया गया, कमलेश त्रिपाठी मरा था उसके उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, उसकी बूढ़े परिवार के लोगों को आके मुख्यमंत्री के चरणों पर गिराया जा रहा था, आज बृजेश पाठक ने वही किया कि खुद जाके उसके आंसू पोंछने के बजाय यहां से ये वैचारिक सहानुभूति दे रहे। और दूसरा ये है कि जो हमारे प्रतिपक्ष के भाई लोग जाना चाह रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनका कितना यकीन है, उसके दुख दर्द में जा भी नहीं सकता, मनोज पांडे जी को रोक लिया गया, कांग्रेस के लोगों को रोक लिया गया है, तो अब तो ये सदन में भी नहीं बात करने देंगे, वहां स्पीकर को ला देंगे कि विशेषाधिकार हनन नोटिस करो, अगर अभिव्यक्ति की आजादी, बीबीसी नहीं बचेगा तो हम आप क्या बचेंगे, तो ये कुल मिला के कुछ नहीं है। देखिए इनका लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करना है, लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म करना है और नागरिकों को डर, ये 24 नजदीक आया, ये डराने का एक नमूना संयोग है, ये संयोग क्या बल्कि कहिए प्रयोग है जी। और ये डराना है कि तुम्हारा यही हश्र होगा, नहीं वरना भाजपा जैसा करती ठीक, है ठीक, चुप रहो ठीक है ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस अमर गुरु भाई, आपका प्रतिनिधिमंडल भी वहां गया था और फिलहाल उनको अरेस्ट कर लिया गया है, चाहे बाजलाल खाबरी की बात करें, चाहे नसीरुद्दीन सिद्दीकी की बात करें और चाहे नकुल दुबे की बात करें, संघर्ष के लिए गए थे, आंसू पहुंचने गए थे, पहुंचने दिया गया, कानपुर की घटना को कैसे देखते हैं और सियासी रंग देने जरूरत नहीं है फिलहाल इस घटना, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की जान गई है, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए सबसे पहले तो मैं किसी भी तरह की राजनीति से परहेज करते हुए जी एक बात लब्बो लुआब मैं यही कहूंगा जी कि जिस तरह से जी तानाशाही तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे देश की सरकार चल रही है जी, और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की जो धूम थी, इस धूम को जिस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रदेश को जिस तरह से उभारा गया उसका अनुसरण किया गया, मध्य प्रदेश में उसका अनुसरण किया गया, दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में उसका अनुसरण किया गया, ये लगातार जो मनमानी चल रही है। और निश्चित तौर पर मैं तो अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था जी, स्थानीय जो वहां के प्रशासन है चाहे डीएम हो या एसपी हो जी, जी भाई है कि इससे संवेदनहीन बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि तत्काल मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय को भी इस पे इंटरफियर करना चाहिए, राज्यपाल को इस तरह से मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए, योगी जी को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक रहा नहीं। अच्छा, लोगों के कोर्ट तक ने टिप्पणी की है, एक बार नहीं ऐसे बुलडोजर के तमाम मामले आए हैं जहाँ पे कोर्ट ने भी बड़ी सख्ती के साथ कहा है किस तरह की मनमानी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जहाँ पे कानून का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है, न्यायालय की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही है जी। और आप खुद संविधान खुद न्याय, ये बेहद अमानवीय कृत्य उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में देखा गया है। अच्छा, और जहाँ तक आपने कहा राजनीति न की जाए, आखिर जब हम बात करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं से राजनीति से जोड़ा ही जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणों का उत्पीड़न जिस तरह से लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अच्छा, वो किसी से छिपा नहीं, ब्राह्मण शब्द तो राजनीति है भाई, नहीं उसको आम आदमी क्यों नहीं देख रहा है, गरीब क्यों नहीं देख रहा है, जनता क्यों नहीं देख रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे जी, जब आप बिल्कुल किसी धर्म संप्रदाय के प्रति किसी जाति विशेष के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। अच्छा, तो वहां बात रखनी ही पड़ती है। अच्छा, आज देखिए किस तरह के बयान तमाम नेताओं के, अलग अलग दलों के नेताओं के, किस तरह से जातिगत बयान आ रहे हैं जी। फिलहाल मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ जी, और बुलडोजर का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा,
क्या इस देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है, क्या यहाँ पे न्यायालय नहीं है? निश्चित तौर पे यह जो प्रदेश की सरकार है उसके पास किसी तरह का अंकुश प्रशासन के ऊपर है ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तत्काल गिरफ्तार किया गया, ये तो इसी को आप कह सकते हैं कि ये राजनीति हो रही है। अच्छा। हम वहाँ आंसू पोंछने गए थे। अच्छा। हमारे नेता वहाँ दुख दर्द बांटने गए थे, परिस्थितियों को समझने गए थे। अरेस्ट करके आप क्या कौन सा मैसेज देना चाहते हैं देश को? उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या मैसेज, आप कौन सा मैसेज आप देना चाहते हैं? अच्छा। निश्चित तौर पे तत्काल वहाँ के डीएम और एसपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और सरकार इसकी जवाबदेही तय करे कि सत्ता में बैठे किन किन नेताओं की इसकी जवाबदेही स्वीकारनी पड़ेगी, यह अभी तय करना पड़ेगा। मैं आपको गौरव जी एक बात स्पष्ट कर दूं, यह जो बुलडोजर परंपरा है जी। योगी जी की जो परंपरा, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। अच्छा। और छोटी छोटी घटनाओं माफिया पर बुलडोजर चलाना गलत है क्या? माफिया पर बुलडोजर चलाना गलत है क्या? नहीं, सबसे बड़ा माफिया तो कानपुर का था, झोपड़ी वाला। मैं आपको बता दूं, नहीं नहीं ये सही कह रहे हैं, भाजपा की भाषा यही है, गौरव जी के कंठ पे आ गई। माफिया पे बुलडोजर जहाँ चलेगा माफिया हो जाएगा। गलत है या नहीं है जी, जुगलबंदी दिखाई दे रही है जी। आप न्यायालय नहीं है। अच्छा। माफियाओं के ऊपर जो सकती और जो कार्रवाई कर सकते हैं आप करिए। हाँ। लेकिन आप किसी माफिया को कानपुर के उसमें प्रकरण में जो हुआ था, दुबे वाले प्रकरण में जिस तरह की चीजें आई थी आपने देखा होगा, सरेआम सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अच्छा। किस तरह से उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई रोड एक्सीडेंट दिखा के। अच्छा। और कोर्ट भी सकती इस पर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से पूरी तरह से कानून व्यवस्था को जो चीजें न्यायालय में तय होनी चाहिए उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर से करा दिया है। और यह तानाशाही व्यवस्था नहीं चलेगी। अच्छा, तानाशाही है। आम जनमानस को अगर कुछ बिल्कुल तानाशाही है और आम जनमानस को कुचलने का प्रयास हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो किसी जाति धर्म किसी संप्रदाय से बुलडोजर आप अपने स्वयं की इच्छा से नहीं ले जा सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ आप प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव भी है। तरुणा जी, कैसी देखती है घटना को, क्योंकि यहाँ पर दो महिलाओं की मृत्यु हुई है और निश्चित रूप से ये मामला इतना बड़ा मामला है जिसको लेकर अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लगातार सक्रिय है और बता रही है कि जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं इससे आम जनता की भी नींदें हराम है और उनको इस तरह की चोट दी जा रही है कि वो चोट जाकर जान तक ले ले रही है। कैसे देखती है आप? जी देखिए गौरव जी, कल से जब ये खबर चल रही है जी, और मन बहुत व्यथित है जी, बहुत दुखी है जी, एक परिवार जी, बिल्कुल खत्म हो गया जी, उनके घर की जो महिलाएं थी जी, जो घर सजोती हैं जी, वो जलकर मर गई जी। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से जी, कि अगर वो जमीन सरकार की थी जी, दीक्षित परिवार की नहीं थी जी, अतिक्रमण का मामला था तो आपने क्या उनको नोटिस भेजा था जी? और नोटिस नहीं भेजा था तो आप बिना नोटिस के, बिना कानूनी कार्रवाई के, बिना जज के पेपर लिए आप कैसे किसी के घर को तोड़ने चले गए और आपने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, घर जला दिया और उसमें वो माँ बेटी दोनों जलकर मर गई जी। आप ये बताइए, एक दो रोटी कमाकर खाने वाले लोग जी, उन पूरे समाज के सामने जब उनकी बेइज्जती होती है जी, तो उनके साथ यही स्थिति हो जाती है, या तो वो उन्हें लगता है कि धरती फटे और हम उसमें समा जाएं। अच्छा। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ आम जनता को परेशान करने का काम किया है और जलने के बाद उसे बचाने का काम नहीं किया प्रशासन ने, वहां से भाग गए। अच्छा ये बताइए, जो नौकरी कर रहा है प्रशासन में अधिकारी, वो अपनी तरफ से कलम नहीं चलाता, कुर्सी पे बैठा रहता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से उसको ऑर्डर आया था। अच्छा। तभी तो वहां पर वो गया। अच्छा। तो ये सरकार ये कह दे कि हमें नहीं मालूम थी, प्रशासन ने अपने आप कार्रवाई की जी, और हमें अब मालूम चला जी। मुझे इतनी मतलब शर्म इन लोगों को नहीं आती। बृजेश पाठक जी, अच्छा पाठक जी वीडियो कॉल पर अपनी पाठशाला चलाकर उसको समझाने का काम कर रहे हैं, उसके भाई को, मृतक परिवार को के पीड़ित भाई को जी, उसके पिता को समझाने का, मतलब आप ऑडियो वीडियो करके पाठशाला चला रहे, आपको शर्म नहीं आती? दो कदम चलकर आप उस परिवार के पास गए नहीं?
अब आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं वीडियो कॉल, उसके बाद वीडियो कॉल करने के बाद आप उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इतनी शर्मनाक बात है। आप अपने परिवार के बारे में सोच के देखिए, आपके घर में कोई जरा सा जल जाए, उसे खरोच आ जाए तो कितना दर्द होता है। बिल्कुल। और ये जो सरकार बैठी है जी, ये किस मूड से काम कर रही है जनता के साथ? आप देखिए, अपराधी आराम से ऐश कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर जो जमीन को अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती जी। थोड़ी सी जमीन अगर आम आदमी थोड़ी सी जमीन ले ले तो उसके पास प्रशासन खड़ा हो जाता है बुलडोजर लेकर। ये समझ ही नहीं आ रहा, संविधान में कहां लिखा है कि आप बेवजह उठे और जाकर बिना कानूनी कार्रवाई के, आप बिना किसी केस के, आप किसी के घर तोड़ दीजिए जी। सरकार को ये शोभा नहीं देता। ये भाजपा सरकार जो आई है जी, जो योगी सरकार आई है, ये ना संविधान को मानती, ना कानून व्यवस्था को मानती, किसी चीज को नहीं मानती। ठीक। ये तानाशाही मामला है ये। ठीक। और बहुत ही दुखद है। अगर मैं ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से भी कहना चाहती हूँ कि बुलडोजर बाबा के नाम पर जो खुश होकर ये आई थी, उन्हें लगा सिर्फ मुस्लिमों का घर टूटेगा तो ये भूल में ना रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा है योगी सरकार में। अच्छा। मैं ये देखिए, जो लोग खुश होते हैं ना कि मुस्लिमों का घर टूटेगा, मुस्लिमों को अपराधी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आम जनता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन सबके घर तोड़े जा रहे हैं इस सरकार में, और बिना कोई कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बस बुलडोजर जाते लेकर जाते हैं और तोड़ देते हैं। ठीक है। गाजियाबाद में मैं रहती हूँ, यहाँ पे भी कई सारे इलाके, कई सारी कॉलोनियां हैं जिनको पहले तो मेरी बात पूरी होनी थी, जीडीए जो है उसको अप्रूव कराती है, उसके कागज को रजिस्ट्री भी कराती है, उसके बाद आप कई सालों बाद मतलब उनका नशा टूटता है क्योंकि ऊपर से कार्रवाई होती है, फिर उनका घर तोड़ दिया जाता है गरीबों का। ये तो ये सही तरीका नहीं है सरकार का। कोई तो मुआवजा दीजिए, आपकी जनता है, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल। गजेंद्र भाई, नोटिस तो दिया गया था प्रशासन के अनुसार, 13 जनवरी को नोटिस दिया गया था और मोहलत भी दी गई थी कि वहां से अतिक्रमण हटा लें, नहीं हटा, उसके कार्रवाई हुई, और कार्रवाई के चलते यहां पर जिस तरह की घटना हुई है उसकी शब्दों में व्याख्या करना मुश्किल है। कैसे देखते हैं? दो चीजें गौरव भाई जी, उन्होंने नोटिस दिया, ठीक है जी, नोटिस दिया गया, अच्छी बात है जी, वहां पे प्रशासन गया था खाली कराने, ये भी अच्छी बात है जी। लेकिन एसडीएम को ये कौन सा अधिकार है यह कहने का कि घर में जो लोग बंद हैं, जानवरों के साथ आदमी भी, अच्छा, आग लगा दो। अच्छा। ये शिवम का बयान है जी, और शिवम वहां पे प्रत्यक्षदर्शी है। अच्छा। जला है वो भी जी लड़का। लेकिन जी देखिए, जलाने वाला और जलाने के लिए कहने वाला, उकसाने वाला, आदेश देने वाला, लेखपाल की गिरफ्तारी होती है, लेकिन एसडीएम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। एसडीएम को जमीन यहां पे खा गई कि यहां का वहां का आसमान खा गया जी। प्रशासन निश्चित तौर से यहां पर अपनी जान बचा रहा है, और यह तो होना ही है, यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सपा की सरकार हो, अच्छा, जाति देख करके, कपड़े देख करके कार्रवाई होती है। अच्छा। आज वो हिंदू हिंदू वाले लोग कहां हैं? अच्छा। आज कहां मर गए वो? अच्छा। कौन से दुनिया में चले गए? उनका क्या हुआ? वहां कितने लोग गए? कोई नहीं गया। राजनीतिक दलों पर आज के डेट में प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है ना जी। लेकिन उस पीड़ित के दरवाजे पर राजनीतिक दलों के लोग ही जा रहे हैं और जिनको रोका जा रहा है जी। जहां की डीएम उस दिन डांस कर रही है, दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि प्रशासनिक तबके में बैठे हुए लोग जी, जिनका जिला वहां पर जल रहा हो जी, महिलाएं जल रही हो और महिला जिलाधिकारी हो, वह डांस कर रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उकसाने वाला, कहने वाला आज भी वहां है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां लिपापोती होने की व्यवस्था की जा रही है। लेखपाल सबसे छोटा कड़ी होता है जी राजस्व का,
और लेखपाल पे कार्रवाई होती है, एसडीएम पे कार्रवाई नहीं होती है। वहां पे पुलिस है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? निश्चित तौर से जो बातें यहां पर सपा के प्रवक्ता द्वारा कहा गया है कि आप कल के डेट में लिपापोती करके सारी चीजें बंद कर दी जाए। अच्छा, यह घटना लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर हो रहा है। अच्छा, ब्राह्मण ऊपर हो रहा है और ब्राह्मण चुपचाप बैठा हुआ है। वह यह सोच रहा है कि जो पिछली गलती हुई है अब अगली बार वह गलती नहीं करने वाला है। अच्छा, और पिछली गलती भी नहीं होती। कौन सी गलती हुई? स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा वो चीजें की गई। अच्छा, वहां पर बात आती है 15 की 85 की। अच्छा, नहीं तो इस बार ही खेल इनका खत्म हो गया होता। अच्छा, स्वामी द्वारा इस सरकार को बचा लिया गया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सवर्ण इस चीज को समझता है कि उसके उसकी जान चली जाए, उसके माल चले जाए, उसका सामान चला जाए, उसकी जमीन ले ली जाए, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। अरे योगी जी, लखनऊ के अंदर आइए, लखनऊ के अंदर लाखों दुकानें अवैध हैं, लाखों दुकानें हैं, उस पर कार्रवाई करो ना। अरे जिला के संभालने लायक नहीं थे आप, आपको उत्तर प्रदेश दे दिया गया, जवाब ले, दुर्भाग्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिवाकर भाई, कार्रवाई के नाम पर, एक मिनट मैं बोल दिया, बस लो, केवल बोलिए, कार्रवाई के नाम पर लिपापोती होगी इस मीडिया पर, मैं आज यहाँ पे कह रहा हूँ जी। कल के डेट में यह पूरी फाइलें बंद कर दी जाएंगी जी, और कोई कार्रवाई नहीं होगी। जनता जनाधार दिए गए, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समाज से अपने, अच्छा, समर समाज से कहना चाहता हूँ कि उस पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा। सरकार से कोई आप जी, किसी भी प्रकार की आप यह समझे कि कार्रवाई होने वाली है, मदद देने वाले हैं लोग, कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ लिपापोती की जाए। अगर ये जवाब दीजिए सबके, बोलिए। गौरव जी जी, हम तो दुखी हैं जी, हमारी पूरी सरकार दुखी है। अच्छा, इस घटना से जी, लेकिन जो हमारे साथी लोग बैठे हैं और जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो समझे ये लोग दुख व्यक्त करेंगे। अच्छा, तो कोई जात की राजनीति कर रहे हैं क्या? कोई जात की राजनीति कर रहा है, हाँ, कोई समुदाय की राजनीति कर रहा है जी, कोई अपने आंकड़ों, रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ कि दुख व्यक्त करेंगे, सरकार प्रायोजित हत्या है महोदय, अगर क्षोभ व्यक्त करेंगे कि हम दुख व्यक्त करेंगे। गुरु जी बोल, जरा सा आप रुके, मैं एकदम चुप होके सुना हूँ जी, मुझे भी बीच में बोलना आता था जी, लेकिन मैं एकदम अपनी संस्कृत को लागू करते हो, जब तक बोल रहे हैं आप क्या बोले हैं, नैतिक बोले हैं, अनैतिक बोले हैं, मैं पूरा सुना हूँ जी। तो मैं भी आग्रह आपसे करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए जी, और जब आपकी बारी आएगी तो बताइएगा जी। पहले मैं सपा के हमारे भाई साहब जो बैठे हुए हैं, इनके ज्ञान के अपमान की दाद देता हूँ। अच्छा, इन्होंने पहले दे दिया कि अज्ञानी है भाजपा वाले। अच्छा, इनको कुछ पता नहीं है, आंकड़े लेके आए थे। अच्छा, कौन से आंकड़े लेके आए थे जी? किस न्याय की बात कर रहे हैं? जिनके में कोई आंकड़ा नहीं होता था। अच्छा, जिनकी सरकार में कोई आंकड़ा नहीं होता था, वन मन रूल था। अच्छा, कोई न्याय था क्या इनके सरकार में? ये बताइए, कोई कब्जा पे कमियत कर, किसी की कब्जे को इन्होंने कराया है? अच्छा, कब्जा कराया है, क्या क्या कब्जा कराया है, तो सब खुल के आ रहा है ना। और सरकार ने जितना बढ़िया न्याय की व्यवस्था की है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, हम लोग दुखी हैं, लेकिन उचित कार्रवाई कर रहे हैं। इनके हम बताए कार्रवाई होती थी? अच्छा, पीड़ित ही पीड़ा दिया जाता था। अच्छा, पीड़ित को ही पीड़ा दिया जाता था। इनके में जब मैं कह दूंगा संप्रदाय के दुखी हैं आप, संप्रदाय सुन लीजिए, आप सज्जन आदमी हैं, जरा चुप रहिए, आपकी बारी आती, आप चुप रहिए, मैं बोला नहीं हूं इसलिए, हत्या कराने के नहीं, आप पहले इनकी बात, आप इनके पहले इनके बात का जवाब, के बात का जवाब देता हूँ, रुक जाइए, आपको जवाब देंगे, आपका जवाब मैं पूरा देता हूँ, आपकी बात को मैं सुन चुका हूँ जी। तो मैं पहले सपा के महोदय जो जुगलबंदी कांग्रेस के साथ कर रहे थे, अच्छा, ये जुगलबंदी इनकी चलने वाली नहीं है, अच्छा, राजनीति इनकी होने वाली नहीं है, और राजनीति जो कर रहे हैं घटनाओं पे, आपके बाद लेता हूँ, हाँ, ये जो दुखद भरी घटनाओं पे राजनीति कर रहे हैं और प्रशासन की सक्रियता जो देख रहे हैं, इनके प्रशासन नाम की चीज थी न घटनाओं पे कोई इनको दुख होता था, ये मजा लेते थे, ये सैफई में जब नाच कराते थे तब प्रदेश कहाँ जाता था, उसको नहीं कोई कहता है। अच्छा,
और कांग्रेस महोदय से कह रहा हूँ कि जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंसू जो मिलने गए थे, जो आंसू पोंछने का काम आपने करने की कोशिश की है, सरकार आपको यथोचित रूप से व्यवस्था भी करेगी। थोड़ा सा माहौल वहाँ का ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद जांच करिएगा। और जो लड़के का जी, आप तरुणवा महोदय कह रहा हूँ जी, आपको आपने इन्होंने जात शब्द जो लाया है जी, जात शब्द जो लाया है, अभी आप उनके लड़के के दुखद पिता के लड़के का, जिनकी माँ मर गई है, बहन मरी, उसके लड़के का बयान सुनाओ, किसका नाम ले रहा है? अच्छा, वो नाम किसका अपने बयान में ले रहा है? आप जात की बात करते हैं, आप चले जाते हैं जो सुभाष दुबे के यहाँ, अच्छा घटना यहाँ की है, 4 साल पहले जाते हैं, हमारा DIG भाई जब जला के सीरियल नंबर से जलाया जा रहा था तो जात नहीं थी। आप जात की बात कर रहे हैं, अपराधी की जात होती है? आप जात की बात मत करिए, यह जात की सरकार नहीं है, यह संभव की सरकार है महोदया, और संभव के साथ चलेगी। अच्छा। आपके देखने से नहीं होगा, आप पूरी सच्चाई ज्ञान लीजिए, बयान देखिए, उसके लड़के का, हमारे जो पीड़ित भाई हैं उनका बयान देखिए, उन्होंने किसका बयान लिया है, आप सुनने की कोशिश नहीं किया है जी, वो किस पे आरोप लगा रहे हैं? निर्णय की दिशा बता दिया, बता रहे हैं, निर्णय की दिशा नहीं बता रहे हैं। अच्छा। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, प्रशासन सुन लीजिए, बयान सुन लीजिए, शिवम का बयान एक बार लेकर के चलाइए, चलाएंगे, सुने दोबारा, चलाएंगे। उन्होंने उन्होंने किसका नाम ले रहा है? दीक्षित साहब ने किसका? अरे भाई, प्रशासन व्यक्ति का नाम लिया, आप सुने नहीं है, आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपका जात का चश्मा चढ़ा है, आपको जात चढ़ानी है, जात चढ़ानी है आपको। अपराधी अपराधी की न कोई जात होती है, आप गलत बोल रहे हैं, महासभा लेकर के महासभा मत चलाइए, महासभा मत चलाइए, जात की महासभा चलाने वाले सवर्ण महासंघ लिखे हैं और जात की भाषा कर रहे हैं, सवर्ण में केवल चल रहे हैं, बोल रहे हैं, छोड़िए, हो गया हो गया, चलता नहीं है, चलता नहीं है, अमित भाई अपना लेता हूँ, अमित भाई टर्न पे आता हूँ, अपराधियों का साथ देने वाले को महिमा कर रहे हैं, सरकार है, गरीबों की, मजदूरों का, सबकी सरकार है, अब लेता हूं, अभी आपको टर्न दे रहा हूं, आपको सबको मिल रहा है, आप क्या है, आप रुकने का काम करते हैं, लगातार कार्रवाई करने वाली सरकार है, बताइए, सुनने की क्षमता रखें, मजबूर लोगों पे कि कौन सा लाचार है, किसके ने बड़े बड़े अपराधी रहे, किसको बख्शा सरकार ने, जो कानून के दायरे में उसको सजा मिलेगी, सिटिंग विधायक रहा, सिटिंग विधायक रहा, जेल गया है, कौन अपराधी भाई, आप क्या बात करेंगे, कौन अपराधी गोड़े बैठे हुए, गजेंद्र भाई कौन अपराधी गोड़े बैठा हुआ है सरकार के? अच्छा ये बताइए जी, एक आम आदमी, लाचार आदमी, मजबूर आदमी जी, को घर में बंद करके जला दिया जाता है, तो ये भाषा सुनने मौके पे जो वो निर्णय दे रहे हैं, ये निर्णय दे रहे हैं, बंद करके जला दिया गया, किसने आग लगाई, उसका विषय उसका बेटा कर रहा, क्या कर रहा बेटा, बेटा सुनिए पूरा, क्या कर रहा बेटा, सुनिए बेटा का, सुनिए किसको कर रहा, कौन सा दीक्षित का नाम ले रहा है, पड़ोसियों का नाम ले रहा है, आप सुनिए किसका नाम ले रहा है, सीएम का बयान लेकर चला गया, बयान लेंगे आप, सुन नहीं रहे हैं, सुनिए एक बार, जांच के विषय, गौरव जी मुझे जरा समय दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अधिक समय देने का कोई हक नहीं है, कटघरे में खड़ा रखिए, बोले बोले बोले, एक बात मैं सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा, 2 मिनट मेरी बात, मैं अपनी बात, बोले बोले बोले, क्योंकि मैं देर से आया अभी हूँ पैनल में, बोले बोले, देखिए अभी अभी गौरव जी फर्क क्या पड़ता है, मैं सुन रहा था, हमारे घर भी बुलडोजर खड़ा हो जाए, अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने, हालांकि मैं नाम नहीं, दिवाकर सिंह नाम, दिवाकर सिंह जी, दिवाकर सिंह जी ने जी, दिवाकर सिंह जी ने मैंने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा लगते हुए, अच्छा आप ही के इस चैनल पे अभी बोला है, हाँ, कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ, और इनके जो लोग कानपुर पहुंचे थे, चिंता न करिए आपकी भी यथोचित व्यवस्था होगी, ये लैंग्वेज था अभी उनका, अच्छा अभी मात्र 2-4 मिनट पहले का ये लैंग्वेज आपके पैनल में था, बोले समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए जाने की व्यवस्था की जाएगी, जनता का वहाँ क्रोध, जनता का पूरा क्रोध, जनता का उसके बाद आपको ले जाने के लिए सरकार
सरकार कहीं आपको रोकी नहीं, किस घटना में आप नहीं गए, आपका प्रतिनिधि मंडल जी किस घटना में आपका प्रतिनिधि नहीं गया, नहीं यथोचित का तात्पर्य समझिए, बोले बोले अमर भाई जल्दी, मैंने तात्पर्य समझा अमर भाई, बोले बोले हमें भी आता है, बोले 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 समाजवादी पार्टी ने क्या किया, कितना अपराध किया, कितने घोटाले करे, कितनी हत्याएं कराई, वो अलग है। अच्छा, क्या वो उसकी तुलना में हत्याएं करेंगे इस उत्तर प्रदेश के अंदर? उससे ज्यादा कराना चाहते हैं सर्टिफिकेट, बड़ा चाहिए पार्टी पुलिस द्वारा नहीं कराई गई, समाजवादी पार्टी में जितनी भी कर्म हुए इसीलिए समाजवादी पार्टी चल रहा है, और इन कर्मों की जयंती कर्म नहीं हुए थे भी जाएंगे उसी से प्रचार, एक बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए जी, जो जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अच्छा, गोरखपुर शहर के तमाम सांसद और विधायक जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या बात करेंगे ये? अच्छा, मैं तो प्रूफ आपके पास नहीं है, केवल आरोप लगाना है, आपका निस्वार्थ है, कोई प्रारूप नहीं है आपके पास, न कोई प्रूफ है, और अगर प्रूफ आता है तो यह सरकार किसी को बख्शती नहीं है। बार बार बोलिए, ये गला फाफा चला मतलब नहीं, बार बार बोलिए जी, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो बोले 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 बोलो बोलो। आपने आपने कितनी बार आप लोग चैनलों पे बैठ के दुख व्यक्त करेंगे, हत्या करते जाएंगे, दुख व्यक्त करेंगे, हत्या करते जाएंगे, हत्या नहीं हुई है, घटना हुई है, घटना अभी हत्या दिया गया है, और आगे कोई घटना हुई है वाली सरकार की, घटना हुई है, हत्या नहीं की गई है, हुई नहीं है, अभी ठीक होकर भाजपा कार्यालय आएगा, अरे यार गलत, सबको माफी मांगनी चाहिए, विद्वान महोदय कह रहे हत्या तो हुई नहीं है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, वो घटना है, इसमें है घटना हुई है, सुखद घटना है, दुखद घटना है, इसमें बहुत चले बारे बारे बोले बारे बारे लोग हैं, ठीक है अमित भाई आपकी बात हो गई, दिवाकर जी जवाब दीजिए अमित भाई को, आपने क्यों यथोचित बोला, क्या बोला? मैंने कहा यथोचित व्यवस्था का तात्पर्य मेरा यह था, जरा जहां घटना हो गई है वहां का जनता में आक्रोश है, प्रशासन लगा, एडीजी मौजूद हैं, सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, पर उस घटना को देख लेने दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा, अब कौन सा बता रहा है, उसके सुनिए, उसके बाद आप बताइए कौन सी घटना हुई, आपका प्रतिनिधिमंडल नहीं जाता है, बोलिए, आपके प्रधानमंत्री तक सदन छोड़ के भागते हैं कांग्रेस के सवालों पे, अच्छा कौन सी व्यवस्था कांग्रेस के लिए आई है, तो किस व्यवस्था करेंगे, अरे मिलने की व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलाने की व्यवस्था, पीड़ित परिवार से प्रतिनिधिमंडल आपका जाएगा, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, कोई और अप्रिय घटना ना हो इसका भी सरकार को ध्यान देना है, चलिए ठीक है, उसके परिवार को सामने नहीं लेने दीजिए, चलिए ठीक है आप सिंह साहब, ठीक है हो गया हो गया, प्रवक्ता सभा प्रवक्ता सभा, ठीक है अंतिम संस्कार में जब कल पांडे कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए ठीक है ठीक है ठीक है अमित भाई, ठीक है अमित भाई पाटिल जी बोलिए क्या बोले, निश्चित रूप से बहुत सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं, इसलिए ये जो भी कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है जैसे हमारे मित्र दिवाकर सिंह दिल से बोल रहे थे, अच्छा इसलिए मैं इनके शब्दों का निहितार्थ तो समझ रहा था, लेकिन जैसे जो इनको इन्होंने कह रहे, ये कह रहे थे कि जाति नहीं देखी जाती, और रियलिटी ये है कि महोदय वहाँ एक जीएस पे मंदिर भी तोड़ा गया है, और जितने भी मंदिर हमारे प्राचीन, अब हिंदू हमारी आस्था है, लेकिन अगर जीएस ही देखा जाएगा तो मैप न गोरखपुर मठ का बना है, काशी विश्वनाथ का, किसी का नहीं है, अच्छा। वो आस्था, उसमें एक मंदिर भी जमींदोज हुआ है, मंदिर अच्छा। पर राजनीति करने वालों को उसकी कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात मैं ये बताऊं, दुर्भाग्य से जाने अनजाने जो आप कह रहे थे महोदय कि जाति नहीं देखी जाती, हम कहां मानते हैं, लेकिन अच्छा। हम आपको एक मिनट में बता देते हैं, अच्छा। आप चलिए सोनभद्र से, अच्छा सोनभद्र पे मैं नहीं कह रहा हूं, आपका सरकारी आंकड़ा है, विनीत सिंह सत्याग्रही नहीं है, अच्छा लेकिन एक बुलडोजर चला हो, एक आदमी को गोली मारी गई हो, नहीं हुआ। विजय मिश्रा खैर रहा होगा आतंकवादी, वो जेल में है, चलिए बनारस, ब्रिजेश सिंह पे अपराध हमने नहीं लगाए, टॉप अपराधी हैं, लेकिन आज वो सुरक्षा में चलते हैं, अच्छा। और वो डिप्टी सीएम के बराबर की सुरक्षा में, और ठीक है कि वहां मुख्तार भाई वो तो पाकिस्तानी रहा होगा, अच्छा। सुन लीजिए, अब सुनिए सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, वो बात नहीं है, उनके जो शूटर हैं, जो माफिया गैंग चलता है, जब इतने बड़े अपराधी हैं, तो किसी एक इंच जमीन पे बुलडोजर चला हो, अच्छा। एक उनका शूटर मारा गया हो, लेकिन हाँ मुख्तार पे हर तीसरे दिन चलेगा, ठीक है वो आतंकवादी, सुन लीजिए सुनिए, मुन्ना बजरंगी को आपने नहीं मारा, ना 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 आपने नहीं मारा, जेल में दुर्घटना से, सुन लीजिए, अब दुर्घटना हो गई, सुन लीजिए दुर्घटना हो गई, नहीं जेल में आपने मारा था क्या, अरे ये बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, सुन लीजिए सुन लीजिए, इन्होंने कहा जेल में भाजपा ने मरवाया, अरे डिबेट भैया ये सबसे बड़ी खबर चलाइए, भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेल में इन्होंने मरवाया, ये सबसे बड़ी खबर, मुन्ना बजरंगी की हत्या में सरकार संलिप्त थी, ये ब्रेकिंग नहीं है, ये आप रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड होगा कि ये इन्होंने बता दिया कि जेल में जो कोई बच्चा नहीं जा रहा, जेल में जो
कारनामे हो रहे हैं, अब ये पता चल गया है, सुन लीजिए, ये सही बड़े सज्जन आदमी है, ये भाजपा का झंडा फोड़ रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ, बधाई बता दिए, जेल में दुर्घटना से नहीं मरा था, भाजपा की सरकार ने मरवाया, कोर्ट जिसको सजा दी है, कोर्ट ने अगर सुनिए और आगे चलिए, बनारस से चले हैं ना, अरे महोदय महोदय सुनिए, आप पता है कोर्ट से बाहर है, हम सरकार ने बाहर किया, चुप रहे, किसी को अभी उन्नाव की घटना पे, उन्नाव की घटना, जल्दी बोलिए, समय कम है, जल्दी बोलिए, अपराधी है वो, अपराधी भाई, जल्दी बोलिए, समय कम है, जल्दी बोलिए, और चलिए ना, जैसे अभी बनारस तक पहुंचे आप, जौनपुर चलिए, जौनपुर में निश्चित रूप से रमाकांत उमाकांत उमाकांत को होगा मुकदमा, 12 साल पुराना आएगा, धनंजय जी क्रिकेट खेलेंगे और वो उनके पास रहेगा वारंट, और आगे चलेंगे तो छोटे मोटे जो हर ब्लॉक तहसील पे अपराधी हैं, वहां भी आप देखिएगा तो कोई अगर अल्पसंख्यक रहा है, कोई दलित पिछड़ा रहा है, और ब्राह्मणों से तो खादा दावत रही है, मैं ब्राह्मणों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, सुनिए सुनिए, ब्राह्मणों को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, सुनिए सुन लीजिए, मैं ब्राह्मण मैं समाजवादी, सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि रियलिटी इनकी जो असली साजिश है, ब्राह्मण से मतलब नहीं है, ये हर अपराधी जाति धर्म में बांट के ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण की हत्या क्या होती है, अच्छा वास्तविकता एक बुलडोजर से एक गरीब की हत्या हुई, अगर ब्राह्मण संवेदनशील है या वो छत्री हो, सारे छत्री थोड़ी अपराधी हैं, अच्छा छत्रियों पे भी हिंदू युवा वाहिनी के दसियों लड़के बेचारे जेल में है, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीड़ित होता है उसमें जाति मत देखिए, ये आरएसएस का माइंडसेट बनाना है, अच्छा आप साझे रूप से समझिए, आज एक गरीब ब्राह्मण का बुलडोजर चला है, कल दलित का उजड़ेगा, गरीब ठाकुर भी, अच्छा। जब यही जौनपुर में साइकिल पे लाश लेके चल रहा था ना, तो कोई ठाकुर बेचारे थे, कोई कांडी सेना नहीं आई थी, ना युवा वाहिनी आई थी, अच्छा तो मैं ये नहीं कहता कि बाबा के जातिवाद से सारे ठाकुर अपराधी हो गए, अच्छा लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये भाजपा बाबा के साथ क्यों बोल रहा है आप लोग, नहीं वो तो नहीं, बाबा की सरकार बाबा खुद कहते हैं, मैं घर जातिवाद है क्या, वो सन्यासी है लेकिन वो घर से कहते हैं, हिंदू जातिवाद है क्या, कौन मतलब होता है जातिवाद, मैं ये नहीं कर, वो उनको गर्व है जो भी करे, वो तो रिजल्ट बताता है ना, अच्छा रिजल्ट यादव रिजल्ट अगर आ जाएगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से झांसी तक, अच्छा तो अगर 10 यादव हो जाएंगे तो पूरी भाजपा बैठ जाएगी धरना पर, अरे यादव राज चला, जरा आप पढ़ दीजिए कितना रिजल्ट आया था किसका, कहां मर गए थे पिछड़े, कहाँ चले गए थे दलित ब्राह्मणों को छोड़िए, व्यवस्था पे कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, जो जैसे योग्य है, जो है, सिंह साहब एक उत्तर उत्तर आप क्यों दे, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, जिस प्रशासन द्वारा वहाँ आग लगवाई गई उसी को आज जिम्मेदारी दे दी गई है जांच की, अच्छा ठीक, नियमानुसार भारतीय जनता पार्टी को तत्काल वहां के जितने भी अधिकारी हो सबको वहां से ट्रांसफर करना चाहिए, नए अधिकारी वहां आना चाहिए, और उससे भी नहीं हो अगर हो सकता है तो वहां पे सीबीआई जांच कराया जाए, दूध का दूध वहां पानी का पानी दिया जाए, अन्यथा कुछ नहीं होगा, लिपापोती होगा, इसे इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, हमें तो गजेंद्र भाई के मतलब बड़ा तरस आ रहा है इनके सिधाईपन पे, अच्छा। हाई कोर्ट ने कहा है 11 बार अवमानना करने वाले आईएएस कैडर के अधिकारी को प्रमोशन दिया गया है, अच्छा। आप किस दुनिया में हैं? वहां से ट्रांसफर करके ले आएंगे, अच्छा। ये फिर बढ़िया पद दे देंगे, अच्छा। आप सोच रहे हैं इनसे अधिकारी को दंडित करेंगे, अधिकारी की औकात है बुलडोजर चला देगा, ये प्रणा ले रहा है, आपने बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा कोई कितना बड़ा अधिकारी होगा, कहां से जांच में दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, आपने बयान सुना, कौन जांच करने वाला है, कौन जांच करेगा, जांच कौन करेगा, जांच कौन करेगा, जांच करेगा अपराधी, जांच करेगा एडीजी, अपराधी है एडीजी पे, अपराधी है एडीजी, अपराधी है एडीजी, स्तर का अधिकारी गया है, उसके बाद भी जो उचित होगा, उसके बाद भी डिप्टी कमिश्नर ने कहा है जो उचित होगा वो कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जब तक वहाँ पे फिर बदलेगा नहीं, कार्रवाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है, सर्वदलीय जांच कराइए, न्यायिक जांच करवाइए, क्या जरूरत है पुलिस से जांच कराइए, न्यायिक जांच कराइए वहां, जी गौरव जी, आप प्रवक्ता को भी, जी बोलिए, जी मैं सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ जी कि जब सर कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जी विपक्ष राजनीति कहाँ कर रहा है ये बताइए आप, जब अतिक्रमण जो जगह है, जो कॉलोनिया है या जो गाँव के एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जी उसमें वोटर आईडी भी बनी हुई आपकी, जी उसमें मीटर भी लग रहे हैं जी, सरकारी जी, उसमें कागज उनका भी है सारा जी, उस पर उन्होंने उस पर वोट तो ले लिया उनसे जी, अवैध जमीन पर, लेकिन उसके बाद जब सरकार में आ गए तो अब वो अवैध घोषित करके उनको तोड़ने का काम कर रही है, बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, अच्छा तो राजनीति कौन किया जनता के साथ,
ये मुझे भाजपा के प्रवक्ता बता दे, योगी सरकार ने बिजली का मीटर लगा मैं ये जानना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से। अच्छा बोले जी, जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे जितने भी कानूनी कागज है वो उन अवैध जमीनों पर कैसे बने हुए हैं, आपने कैसे उनसे पट्टे लिया? वोटर आईडी कैसे बन गया? तो आधार कार्ड कैसे बन गया? आधार कार्ड है, बिजली का आधार कार्ड कब का बना हुआ है? अच्छा अब ये कहेंगे सरकारों की सब देन है, हमारी सरकार में किसी को भी वोट पाने के लिए तो जनता के पास जाके पैर छूते हैं, चाहे वो अवैध जमीन पे रहते हैं चाहे सही जमीन पे रहते हैं। इनकी सरकार उनको मतदाता पत्र नहीं बनाई, उनको मतदाता थे ही नहीं, इनकी सरकार ने मतदाता पत्र छीन लिया था। इस राज्य में नहीं चलने वाला, जनता जल्दी ही बदलाव चाहेगी, बदलाव करेगी। ठीक है ठीक है, जनता के कहने से जनता आपके जनता कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। जनता के जनता कहने से कुछ होगा ये? अच्छा। अरे आप सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कहने वाले हैं कि जो कह रहा हूँ जनता कहने से कुछ नहीं कहने वाले हैं। जनता आपको सिमर में आपका सम्मान कर रहा हूँ, हमारे किसी को भी आप वोट डालने हमारे कोई पड़ेगा, जनता की राय लेते हैं, जनता की सरकार है या जनता की सरकार है? आप सुनते नहीं है, मैंने कहा जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है, सबको समान न्याय है, सबको आवास है, सबको राशन है, सबकी सुरक्षा है, संरक्षा है, माताओं बहनों की सुरक्षा है, सारी सरकार और जनता को मोटी मोटी घटनाएं छोटी एक घटना हो गई, ग्रामीण क्षेत्र की तो बात छोड़िए, शहरी क्षेत्र का हाल ये देख लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, दुखद घटना है, आपको शर्म आनी चाहिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, यहाँ पर जात की बात करने वाले बोलेंगे, जात की बात करने वाले बोलेंगे, यहाँ पे जात करने वाले सीधे सीधे जात की बात कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? सब धर्म सौहार्द की बात नहीं करेंगे, सब अर्थ समाज के लिए जात की बात करने वाले कर रहे हैं। आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व है जाति से, जात की बात कर रहे हैं आप, आपको जात से कितना नफरत है? पूरी सरकार सबके लिए है, सबके लिए क्या भाई? जयंत भाई आज जाति बात क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात करते हैं हाँ। मोहन भागवत से लगाए, मोहन भागवत से लगाए हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य तक, अच्छा हम ही लोगों को तो लेकर के कोसा जा रहा है। अच्छा किसको कोसा जा रहा? तो आप अच्छा। आप होश में आइए ना, स्वामी हाँ? प्रसाद तो दलित चेतना की बात कर रहे हैं। अरे लेकिन समझिए, सुनिए सुनिए, मैं एक चीज बड़ी बढ़िया बता दूं। जल्दी जल्दी, ये भाई साहब जो मोहन भागवत जी ने कहा है, उनका संगठन अज्ञात शत्रु के विरुद्ध नफरत की ही प्रयोगशाला चला रहा था। अच्छा। उनको सत्ता चाहिए, सत्ता के पहले अभी मुसलमानों की बलि हुई तो हम प्रबुद्ध समाज के लोग आगे नहीं आए थे। ये हिटलर जब यूरोप में देखिए तो चर्च को लूटने के लिए मुसलमान नहीं गए थे गजनी, ईसाइयों ने ही लूट लिया था चर्च। अगर संघ के इशारे को समझिए तो ये शुरुआत हुई है। अच्छा। अभी तो मंदिर तोड़े जाएंगे, मॉब अच्छा। लिंचिंग भी आपकी होगी, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही थी तो आप शांत थे अच्छा। और ये बड़ा खतरनाक इशारा है अच्छा। और ब्राह्मणों की बलि तो सुनिश्चित है। अच्छा ठीक है ठीक है, जात पे जब तक आप लोग जात पे नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा। अच्छा जब तक जात, जब मोहन भागवत कह रहे हैं, जात की बात करते हैं, भागवत की बात हो रही है, मोहन भागवत जात लिखते ही नहीं है, संघ के लोगों की जात होती नहीं है। आखिरी कमेंट अमित गुरु आखिरी कमेंट, ठीक है हो गया अमित गुरु आखिरी कमेंट बोलिए आखिरी कमेंट अमित गुरु, ठीक है बिल्कुल। गौरव जी बस मैं एक बात कहूंगा जी, बहुत बहुत मेरा एक सार एक बस इतना ही है जी कि उस पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय मिलना चाहिए बिल्कुल। और इस तरह की जो घटना घट रही है लगातार जी, दर्जनों नहीं सैकड़ों बार हो चुका है। अच्छा। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और बुलडोजर की जो तानाशाही संस्कृति है अच्छा। इसको सरकार चेत रही है, इस पे ध्यान दे, वरना निश्चित तौर पे सरकार को अब उखाड़ फेंकने का मन जनता बना चुकी है। ठीक है ठीक है, आप सभी मेंबरों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी कि कानपुर जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, उस पर राजनीति क्यों हो रही है, घटना वहां पर हुई है, जिम्मेदार कौन है, प्रशासन जिम्मेदार कौन है, नीचे वाला अधिकारी या जिम्मेदार कौन है, सरकार जिम्मेदारी जिसकी भी है, फिलहाल यहां पर दो जाने गई हैं।
और इन इस घटना पर शायद राजनीति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में अगर पीड़ित परिवार के साथ हैं तो वहां जाइए और समझिए कि कितना कष्ट उनको होगा जिनके परिवार के दो जानें चली गई हैं, माँ और बहन, जो कभी लौट कर नहीं आएंगी। तो कम से कम यहाँ पर राजनीति छोड़ कुछ ऐसी चर्चाएं की जाए जिससे वास्तव में बदलाव हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर अगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी जाएगा कि जब भी कोई घटना होती है, किसी की जान जाती है, तो वहाँ पर कार्रवाई केवल नीचे वाले अधिकारी पर होती है, पर शायद जिम्मेदारी बड़े अधिकारी की उतनी ही है जितने नीचे वाले अधिकारी की है। यानी यहाँ पर जेसीबी का ड्राइवर भी आरोपित है या जेसीबी के ड्राइवर की गलती भी है और लेखपाल की गलती भी, तो यहाँ पर गलती एसडीएम की भी है और उच्च अधिकारियों की भी है, क्योंकि यहाँ पर जान गई है, मजाक नहीं हुआ है। और जान को वापस लाना फिलहाल भारतीय व्यवस्था और मानव जीवन में संभव नहीं है। तो फिलहाल इस चर्चा में एक ही बात स्पष्ट होकर आई है कि लोगों ने इसको कहा कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ एक अभियान, कोई बोल रहा है तानाशाही, कोई बोल रहा है बुलडोजर की एक अलग तरह की व्यवस्था जिसके लिए सरकार एक अलग तरह की तानाशाही रवैये को चलाते हुए हिटलर शाही कर रही है, तो कोई बोल रहा है कि ब्रजेश पाठक मिलने क्यों नहीं गए। अब कौन मिलने नहीं गया, क्यों नहीं गया, किसको पता नहीं, उससे लेने देना कुछ नहीं है। फिलहाल मामला यही है कि किसी की जान गई है और जान पर राजनीति करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वास्तव बदलाव चाहिए तो बदलाव ऐसा करिए कि अधिकारियों में इस तरह की व्यवस्था के लिए विचार ना आए कि किसी की जान लें या किसी के घर तोड़कर उसके घर में आग लग जाए और किसी की मौत हो जाए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे ज्योति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।